कृष्ण तय किया है तो हम नहीं जाएंगे, तो बीजेपी इसको लगातार मुद्दा बना हुआ है। बीजेपी ने मुद्दा बनाया तभी तो ये सब प्रॉब्लम पैदा हुई है। अगर बीजेपी मुद्दा नहीं बनाती और राम मंदिर सबकी आस्था का केंद्र है, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो झगड़ा मिट गया था शांतिपूर्ण तरीके से। सभी लोगों ने, देशवासियों ने स्वागत किया, चाहे वो कोई धर्म का हो, कोई जाति का हो, कोई वर्ग का हो। इतना बड़ा कदम जब उठाया स्वागत करके आम जनता ने, उसी ढंग का व्यवहार करना चाहिए था सरकार को भी और जो समिति बनी उसको भी करना चाहिए था। आज ये नौबत नहीं आती। इसका जब राजनीतिकरण किया गया, जिस रूप में फैसले किए गए कि धर्म गुरुओं को भी और शंकराचार्य है जो हिंदू धर्म के सनातन धर्म के सर्वोसर्वा है और वो गाइड करते हैं पूरे देश के सनातन धर्मियों को भी, समाज को भी और धर्म को भी, क्या नौबत आ गई कि उन सब ने कहा हम नहीं जाएंगे वहाँ पर। तो आप सोच सकते हो कि एक ऐसा इश्यू बन गया कि पूरे देश के शंकराचार्य कह रहे हैं कि हम सब बायकॉट करेंगे या जाएंगे नहीं, और कारण भी बता रहे हैं क्यों नहीं जाएंगे। वो आप लोग सब पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, देखते होंगे, मुझे कहने का आवश्यकता नहीं। अगर शंकराचार्य देश के ये बात कह रहे हैं, उसका अपना महत्व है। इस तरह कॉन्ट्रोवर्सी पैदा होने की नौबत नहीं आनी चाहिए थी, ज़्यादा बेहतर रहता। और जब राम मंदिर सबका है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबके लिए आया है, तो शुरुआत में ही इसको सभी जातियों, सभी धर्मों, सभी वर्गों और सभी राजनीतिक पार्टियों को अगर विश्वास में लेके चलते तो आज ये नौबत ही नहीं आती। अभी पूरा पार्टी आरएसएस और बीजेपी का प्रोग्राम वहाँ पे बना दिया गया, बल्कि वहाँ जो प्रबंधन कर रहे हैं वो भी बीजेपी कार्यकर्ता हैं। इस प्रकार के माहौल के अंदर आप इन्वाइट कर रहे हो राजनीतिक पार्टियों को जानबूझ करके, तो उचित बात नहीं है। इसलिए ये मतलब कांग्रेस ने कहा भाई कांग्रेस नेता क्या है, मंदिर में जाने के लिए किसी को पूछना पड़ता है क्या? किसी मंदिर, किसी धर्म के मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में, चर्च में कोई जाए अगर मान लो इबादत करने के लिए, तो पूछ के जाएंगे क्या? पूरी जरूरत नहीं है। और ये प्रोग्राम क्योंकि आरएसएस और बीजेपी का प्रोग्राम बन गया है, तो आप बता दीजिए कि उसमें कांग्रेस वाले कैसे जाते हैं। मतलब कांग्रेस का मतलब कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा अधीर रंजन चौधरी जी, वो कैसे जाते? प्रोग्राम तो आरएसएस बीजेपी का है, इसलिए उन्होंने कहा है। आस्था सबकी है, पूरे देशवासियों का आस्था राम मंदिर में है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा ये जो अहम घमंड के आधार पर सरकार चल रही है एनडीए की, प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी जिस रास्ते पे देश को लेना चाहते हैं वो उचित रास्ता नहीं है। लोकतंत्र इसलिए हम कहते हैं खतरे में है, संविधान की धज्जियां उड़ रही है और तमाम एजेंसी ईडी, इनकम रेट, सीबीआई, आप देख रहे हो क्या हो रहा है, जुडिशरी पे दबाव है, ये तमाम बातें चिंताजनक बातें हैं।